जय जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। देखिए देवर्षि, हनुमान अपनी शक्ति का प्रयोग छोड़कर बुद्धि का प्रयोग कब करते हैं? मुझे श्राप से मुक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। आप जिस वस्तु की खोज में आए थे वो ये है। लीजिए हनुमान। बड़ी भाग्यवान है तुम्हारी माता, जिसने एक रत्न के रूप में तुम जैसे पुत्र को पाया है। कदाचित अपने माता के पास जा रहे थे। मुझे क्षमा करना पुत्र, तुम्हें मेरे कारण अपने माता के पास जाने में विलंब हो रहा है। नहीं नहीं माता, आप क्षमा ना मांगो। मैं अपनी माता के पास नहीं, कहीं और ही जा रहा हूँ। अपने माता के पास नहीं तो कहाँ जा रहे थे पुत्र? क्या तुम्हें तुम्हारी माता की चिंता नहीं? मैं अपने पुत्र को कुछ भी कह लूं, परंतु मेरे मन में हमेशा मेरे पुत्र के लिए शुभेच्छा ही रहती है। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए चिंतित होगी पुत्र। हैं तो, किंतु मैं बाध्य हूँ माती, मैं अपनी माँ के समीप नहीं जा सकता। हे ईश्वर, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम जैसे पुत्रों को भी अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा? संभाल कर माते, संभाल कर, संभाल कर। संभाल कर। तो पहले ही कह रही थी कि तुम जैसा पुत्र पाकर कोई भी माँ धन्य हो जाएगी। माते, वहां दूर एक प्रकाश दिखाई दे रहा है, देखी? किंतु तुम्हारे मन में बहुत अंधकार दिखाई दे रहा है पुत्र। तुम्हारे जैसा बालक इतना शांत कैसे रह सकता है? क्या तुम्हारे पिता ने कुछ कहा तुमसे, या तुम्हारी माँ ने कुछ कहा है? ये यहाँ पे नहीं रह सकता। अंदर। ठीक है, ठीक है, या तो ये माया भी यहाँ रहेगा या मैं। और अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो मैं अभी इसी क्षण पूरे राज्य के सम्मुख आत्मदाह करूं, आत्मदाह करूं, आत्मदाह करूं, आत्मदाह करूं। नहीं नहीं माते, वो तो मेरे लिए बहुत व्याकुल है। वो
व्याकुल हैं और तुम्हें उनकी व्याकुलता का भान है, तो तुम उनके समीप क्यों नहीं जा सकते हो पुत्र? इस अमावस्या के 20 दिन के अंदर अंदर, अर्थात कार्तिकेय अमावस्या के पहले, अगर तूने मेरे पुत्र हनुमान को मेरे पास वापस नहीं लौटाया, तो वो अमावस्या की रात्रि तेरी काल रात्रि होगी और मेरे श्राप के प्रभाव से तू जलकर भस्म हो जाएगा। पुत्र एक बात याद रखना, माता कितनी भी रुष्ट हो जाए किंतु सर्वदा अपने संतान का भलाई चाहेगी। किंतु मेरी माँ ने तो मुझे राज्य से ही बाहर निकाल दी। अरे हाँ, किसी बात पर क्रोधित होगी इसलिए क्रोध में आकर इस प्रकार का अनुचित निर्णय लिया होगा। मैं भी अपने पुत्र को क्रोध में घर से बाहर निकाल देती हूँ, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि मेरा पुत्र मेरे पास ही ना आए। माता और पुत्र का संबंध इतना कच्चा नहीं है कि क्रोध की अग्नि उसे भस्म कर दे। तो मैं क्या करूं माते? अब तक तेरी माता का क्रोध दूर हो गया होगा पुत्र, और तो और अपने इस निर्णय पर वो पश्चाताप कर रही होगी पुत्र। माता पिता किसी बात पर क्रोधित होकर यदि कुछ कह भी देते हैं तो संतान को चाहिए कि उनका क्रोध उतरने तक शांत रहे और उनके चरण पकड़कर उनसे याचना करे। कोई माँ कोई पिता अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकते पुत्र, वो बच्चों की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर होते हैं। तुम्हें भी अपने माता का क्रोध शांत होने तक रुकना चाहिए। यदि उनका क्रोध शांत हो जाता है फिर तुम अपने माता से मिलते हो, तब तुम्हारी माता अपने हृदय से लगा लेंगी। किंतु माते, उनकी ये दशा माता पार्वती के एक परीक्षा के कारण हुई। वो मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रही। अरे इतने साहसी बालक होकर रो रहे हो? माता पार्वती तो स्वयं एक माता हैं, जगत जननी है वो। माता के हृदय पर जब चोट लगेगी तो जगत जननी को भी कष्ट होगा। जब वो तुम दोनों का रुदन सुनेंगी तो स्वयं उनकी परीक्षा का अंत कर देंगी। तुम्हें इस तरह वन वन भटकने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, मेरी बात मानो, जाकर अपनी माता के चरण पकड़ लो। किंतु मैं भी अपनी माता को ये वचन देकर आया कि मैं उनके पुत्र को अवश्य वापस लौटा दूंगी। स्वयं को कैसे खोजोगे पुत्र और कहाँ खोजोगे? ये तो वचन ही तरसंगत नहीं है, इसलिए इस वचन का भी कोई महत्व नहीं। तुमने वचन दिया कि तुम स्वयं को माता को लौटा दोगे, तो जाओ अपने सर को माता के चरणों में रख दो। तो आपका ये कहना है कि मुझे अपनी माता को मनाने का पुनः प्रयास करना चाहिए? हाँ पुत्र, हाँ। किंतु उनका दिया श्राप? माता का दिया हुआ श्राप कभी पुत्र को नहीं लगता, ये तो उसकी कोख का अपमान होगा। इसलिए निश्चिंत होकर माता के पास जाओ और अपनी पीड़ा उनसे जाकर कह दो, वो अवश्य तुम्हें स्वीकार कर लेंगी। मेरा हृदय कहता है ये बात। तेरे जैसे पुत्र को कोई कैसे दूर रख सकता है? मेरा तो गंतव्य आ गया पुत्र, जा अब देर ना कर, अपनी व्याकुल माँ को दर्शन देकर उसके कष्ट दूर कर दे पुत्र। उसके आंसुओं से भरे नेत्र को शांत कर दे पुत्र। ठीक है माता, मैं पुनः प्रयास हेतु जा रहा हूँ। मुझे आशीष दीजिए कि मुझे मेरी माता अपने पुत्र के स्वरूप में स्वीकार कर। जा पुत्र जा।
ये क्या प्रभु? हनुमान अपने घर के मार्ग पर, क्या आप उन्हें उनकी परीक्षा पूर्ण नहीं करने देंगे प्रभु? और ये वृद्धा कौन थी जिसने हनुमान की बुद्धि को भ्रमित कर दिया प्रभु? वो क्या अपने लक्ष्य से भटककर अपने राज्य की ओर उड़ गए? क्या आप हनुमान को रास्ते से ही वापस बुलाना चाहते हैं? क्या हनुमान को मन चक्षु मिल भी पाएगा या नहीं? क्या हनुमान अंजना माता का मन बदल पाएंगे या नहीं? क्या हनुमान अपनी माता अंजना की मन स्थिति को अपनी भौतिक स्थिति में परिवर्तित कर पाएंगे? देवऋषि, देवऋषि, तनिक शांत हो जाइए। आप इतने सारे प्रश्न एक साथ, आपने तो हम पर प्रश्नों की वृष्टि ही कर दी। क्षमा करें प्रभु, किंतु हनुमान को वापस जाते देख मेरे मन में इतने सारे प्रश्न उत्पन्न हो गए कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। प्रभु शांत होकर सोचिए नारद जी, आप भी तो त्रिकालदर्शी हैं। किंतु माते, मेरे प्रश्नों के उत्तर वो समय के साथ स्वयं ही आपको मिल जाएगा। क्यों स्वामी? देवऋषि, समय ही सभी प्रश्नों का उत्तर है और समय के साथ ही आपको भी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। और यदि आप इतने ही अधीर हो रहे हैं तो आप स्वतः त्रिकालदर्शी हैं। पता लगा लीजिए। नारद जी के इस प्रकार सर नवाने से ये प्रतीत होता है कि जैसे इन्होंने पहले ही चेष्टा की थी पर सफल नहीं हो पाए। आपने अपनी त्रिकाल दृष्टि से पहले ही भविष्य देखने की चेष्टा की थी ना दिवस? हाँ माते, किंतु मुझे इस बार भविष्य में अंधकार के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसी कारण आप हमारे निकट हैं अभी तक, ताकि आप सब कुछ जान सकें। मैं बस हनुमान की सुरक्षा और सफलता चाहता हूं प्रभु, और कुछ नहीं। चाचा, नक्शे के अनुसार चिन्हित स्थान यही है। भतीजे, हम घूम फिर कर उसी स्थान पे लौट आते हैं। अवश्य ही तुमसे मानचित्र देखने में त्रुटि हुई है। अरे चाचा, मेरा विश्वास कीजिए, ये वही स्थान है। यदि तुम्हें ऐसा ही प्रतीत होता है तो जा स्वयं उस स्थान को खोज, तब तक मैं शीघ्र निद्रा लेता हूँ। अरे चाचा, मैं अकेले। क्या अब ये मत कहना कि मुझे डर लग रहा है। जा और जाकर उस स्थान को खोज, तब तक मैं विश्राम करता हूं। मानव, तुम बार बार मेरे स्थान पर क्यों आ रहे हो? क्या तुझे अपने प्राणों से प्रेम नहीं? मानव कहकर अपमानित करने वाले कौन है तू? प्रत्यक्ष, मैं ध्वनि से वार्ता नहीं करता, प्रत्यक्ष और बात कर। क्या
हम मार्ग भटक गए हैं। क्या आप हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। एक बार सामने आ जाए फिर बताता हूँ कौन आभारी होगा और कौन किस पर भारी। झूठ मत बोल बालक, तुम मार्ग नहीं भटके हो, तुम अवश्य ही किसी प्रायोजन से इधर आए हो। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आकर बात कर। मैं ध्वनि से बात नहीं करता, प्रत्यक्ष बात कर रहा। अन्यथा चुप रह। क्यों अपनी मृत्यु देखने के लिए व्याकुल है मानव? अभी भी समय शेष है, चला जा यहाँ से। चाचा कहिए हनुमान तो नहीं, उसकी वाणी तो नहीं? याद है गुरुवर ने क्या कहा था? अगर हम उसके सामने आ गए तो हमारी मृत्यु निश्चित है। पर ने ये कहा था, गुरुवर ने वो कहा था। प्रत्यक्ष कायर, प्रत्यक्ष तब बताऊंगा मैं तुम्हें किसकी मृत्यु किसके सामने खड़ी है। यदि तुम्हें अपनी मृत्यु की इतनी शीघ्रता है तो तथास्तु। बस बस। अठास के क्षण समाप्त। अब मृत्यु के क्षण आरंभ हुए। नारिका जा युद्ध कर और दिखा दे तेरे अंदर महान असुर पिता का रक्त है। मार। तुम मानो तो नहीं लगते, अवश्य ही असुर हो। कौन हो तुम? आवासुर। और मैं नारकासुर। अभी दीक्षा चल रही है, जब तक दीक्षा पूर्ण नहीं होती तुम स्वयं को नारकासुर नहीं कहोगे, मात्र नारका। आभासुर नारका? क्यों, कुछ और सुना क्या? गुरुदेव शुक्राचार्य के शिष्य आवासुर नरका। हाँ तो पहले बताना चाहिए था मित्रों, मैं तो चतुर्थ श्रेणी का असुर हूँ, आप लोग मायावी हैं। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं आपसे इस प्रकार वार्ता नहीं करता। मुझे क्षमा करे आवासुर, कहें मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हिरण और सुरा, बहुत दिनों से मांस भक्षण नहीं किया है, सुरापान नहीं किया है,
जाओ और जाकर इसका प्रबंध करो चतुर्थ श्रेणी के असुर। अरे कोई कुछ नहीं कहे, सत्य तो ये है कि हनुमान का याद कर करके महाराज को हृदयघात हुआ था। अरे निष्ठुर है हमारी महारानी, यदि उन्होंने हनुमान को ना निकाला होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। मैं तो भगवान से महाराज की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करता हूँ। सुना है कि उनकी दशा बहुत ही भीषण है। क्या पिताश्री अस्वस्थ है? मैं अभी उनके समीप जाता हूँ।